सोमदेव सूरी ग्रंथ राज नीति वाक्य अमृत में यह समझा रहे हैं कि जो श्रेष्ठ काम करने वाले हैं उनके लिए सुरक्षित रखना चाहिए और उनके साथ धन व्यय भी किया जाए राजा को तो वो धन व्यय यूं मान के चलना जैसे उर्वरा भूमि में डाला गया बीज यदि एक बोरा डालेंगे तो 10-50 बोरा भरेंगे। इसलिए राज्य मंत्री भाई शांति करना, राज्य मंत्री पुरोहित सेनापति सैनिक इत्यादि के प्रति सम्राट को धन संग व्यय करना पड़ेगा और उनका संग्रह भी अच्छे से रखना पड़ेगा। एक कार्य में कुशल पुरुष है और कार्य कुशल पुरुषों को प्रसन्न रखना चाहिए। गाय को प्रसन्न रखोगे तो दूध अच्छा देती है, घर के मुखिया को खुश रखोगे तो घर में आनंद छाया रहेगा, सम्राट को खुश रखोगे तो देश में खुशहाली रहेगी और प्रजा को खुश रखेगा राजा तो राज्य आनंद में चलेगा और प्रजा ही दुखी हो गई तो हड़ताल ही चलती रहेगी, गृह छिड़ जाएंगी, अशांति रहेगी, तुम सुख से राज्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनुग्रह निग्रह की पद्धति का बोध होना चाहिए। जो दुराचारी हैं उनका निग्रह करना अनिवार्य है, नहीं तो सदाचारी विद्रोह कर देंगे। तो सदाचारियों का भी सम्मान करो, दुराचारियों को निग्रह करो जिससे दुराचारियों की संख्या कम हो, सदाचारियों की संख्या बढ़े। राज्य यथार्थ में अच्छे लोगों से ही चलता है। अब सोचिए ये व्यापारी गण हैं, ये कमाते हैं और टैक्स देते हैं, तो पुरुषार्थ इनका है। अब नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, इनका क्या है? छीन लो, झपट लो, उपद्रव मचा दो, यही काम है ना। तो राजा का कर्तव्य है उनके तो निग्रह में और उनको मनाने में तुम द्रव बर्बाद करते हो, पर द्रव लाते कहाँ से हो? राजा थोड़ी कमाता है, आखिर में हमारे व्यापारियों से तो आता है, किसान भाइयों से द्रव आता है, व्यापारियों से द्रव आता है, जो कर्मचारी उनका भी तुम टैक्स काटते हो, द्रव तुम्हीं से आ रहा। तो फिर जो कुशल राजा होता है अपने देश के व्यापारियों को खुश रखता है। जैसे कि अब इनकी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, यदि ये एक आदमी को 10-11 हज़ार रुपये भी दे रहे हैं वेतन पे और दीपावली को एक डिब्बा मिठाई का दे दिया तो उनको भी 11 हज़ार की कीमत कम लगती है, वो डिब्बा उनको अच्छा लगता है, चलो दीपावली की मिठाई मिली है उनको। एक कुशल शासक की नीति है कि वो पर्व आदि के समय उनको सम्मान करें कर्मचारियों का, तो तुम मीठा खिलाओगे तुम्हारे मीठा काम करेंगे और आपने बोले कुछ नहीं हमने तो वेतन दे दिया तुम अपना देख लो जाओ। बेचारे सोचेंगे कैसा जीव है। तो किसान की भांति जीवन जियो कि बैल को भी आधा टुकड़ा रोटी खिला देता है, उसके लिए भोजन आता है ना, उसमें से एक रोटी का टुकड़ा बचा के रखता हो किसान, उस बैल को जरूर देता है, उससे बैल का पेट नहीं भरता, संतुष्टि मिलती है, बोले ये हमारा ध्यान रखता है तो खुश रहते हैं। जानवर तो समझदार भले पर संगी पशु हो गए पर संगी है, समझदार है, वो अपने बच्चों को पालन करना जानता है कि नहीं जानता है? उसके बच्चे को छेड़ना चाहे गाय मारने पहुंच जाती, देखा आपने, तो सब समझते हैं। तो बुद्ध्यार्थे युद्धे च यु साहित्य कार्य पुरुषः, कार्य पुरुष कौन है? कार्य पुरुष की परास्तर है बुद्धि, कितना सुंदर,
बुद्धि अर्थ युद्ध, ये तीन बिंदु हैं, बुद्धि अर्थ और युद्ध, तीन में जो सहकारी है वही कार्य पुरुष है राजा के लिए। अब बुद्धि में कैसे राजा के सहयोग करेंगे, तो आप देख रहे हो जितने बड़े बड़े नेता हैं अब वे तो घूमने घामने में लगाते रहते समय, वास्तव में देश के बारे में हित के बारे में जो सोच के उनको सोच देने वाले हैं उनका वो कौन बनाता है भाषण, नेताजी भाषण कौन बना के देता है, भी देते हैं तभी सुंदर बोल पाते हैं, तो कितने ऐसे भी तो नेता हैं जो बेचारे स्कूल के चेहरे नहीं देखे उनने फिर भी अच्छा बोल लेते हैं, वो तो अभ्यास का फल है। हाँ वो किनको बना रहा है, बहुत बड़े नेता को बना रहा है, तो इनका काम है, लेकिन ये नाम नहीं ले सकते कि हमने बना के दिया, ध्यान रखना, वो बता नहीं सकते हमने बना के दिया है, ये अंदर का विषय है। तो बुद्धि राजनीति का बोध कराए, ठीक है, सम्राट सलाहकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार अलग हैं, राष्ट्रपति के सलाहकार अलग होते हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार अलग होते हैं, सलाहकार होते ही हैं और रखना ही चाहिए, ठीक है। तो सलाहकार वो उसमें क्या ना, अब बुद्धि को सलाहकार तो प्राचीन काल में ये पुरोहित को रख दो, ये बुद्धि के सलाहकार हैं, संपत्ति के सलाहकार अर्थ सचिव, अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री, अर्थ मंत्री यानी वित्त मंत्री, तो वित्त को कैसे संभाल के रखा जाए, तो वित्त मंत्री को अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, दिगंबर मुनि कमंडल के समान वित्त की व्यवस्था करना चाहिए, जैसे मुनिराज का कमंडल में पानी बड़े मुख से भरते हैं और निकालते टोंटी से हैं, ऐसे खर्च होना चाहिए टोंटी से और आय होना चाहिए बड़े मुख से, समझे पाटनी जी, आय है टोंटी से और खर्च चल रहा है यहाँ से, तो भाई यहाँ से पानी निकल जाएगा टोंटी से कितना भरोगे तुम, ये है वित्त, ये है हमारा वित्त अर्थशास्त्र, ठीक है कमंडलू। इसी प्रकार से महाराजों को चाहिए पाप निकालना चाहिए मुख से, पूरा खाली करो, साधना करो बड़े मुख से, समझ रहे ना, और साधना का फल टोंटी से निकालो, यदि तुम साधना का फल चाहते पूरा पूरा तो भविष्य के लिए क्या करोगे, पुण्य का भोग करो, जो पुण्य तुम्हारा चल रहा है, सुंदर शरीर मिला है ना, इसका भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो ये भी तुम्हारा पुण्य का भोग है, आपको मुझे और इतन साहन आज कितने अच्छे से पार्टी लगवा दिए, ये तुम्हारा भोग हो गया बेटा, तुम्हें अच्छा लग गया, तुम्हें अच्छा लग गया कि चलो मेरी प्रशंसा हो गई, तो तुम्हारी यश का भोग हो गया बेटा, तुम आगम तो समझो साथ में, अब अच्छी पिच्छी मिल गई तो ये तुम्हारा उपभोग चल रहा है, उपकरण है तुम्हारा, अब अच्छी मिल गई तो आनंद आ रहा है, वो अच्छी नहीं मिली तो बार बार वही संकलेश वही संकलेश था, तो तुम आसर कर रहे हो सुख का, एक एक पग में आपको समझना है, आपको निर्जा स्थान की खोज करना, ठीक है। और युद्ध, युद्ध कैसे किया जाए, ये सम्राट को बोध कराने वाला एक कार्य पुरुष कहलाते, इस पर समझना चाहिए, से आगे विचार करेंगे।